BS6 तो अब पुरानी बात हो गई क्योंकि भारत रेडी हो रहा है भारत स्टेज 7 के लिए। अभी रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने यूरो 7 रोल आउट करने का प्लान डिक्लेयर किया, जिसमें 1 जुलाई 2025 से सारे मास मैन्युफैक्चर्ड कार्स को यूरो 7 नॉर्म से कंप्लाई करना होगा। हालांकि ये अभी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, पर जैसे BS6 बेस्ड था यूरो 6 पे, वैसे ही BS7 बेस्ड होगा यूरो 7 पे। BS7 डिस्कस करने से पहले चलिए ये भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एमिशन स्टैंडर्ड्स और इनके टाइमलाइंस CPCB या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट करता है। व्हीकल एमिशन नॉर्म्स को इंडिया में पहली बार 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था और शुरुआती दिनों में ये नॉर्म्स काफी बेसिक थे। फिर सन 2000 में आया इंडिया का पहला एमिशन नॉर्म इंडिया 2000, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सारे ऑटोमोबाइल्स को इस नए एमिशन नॉर्म से कंप्लाई करने का ऑर्डर दिया। इंडिया 2000 ही वो स्टैंडर्ड था जिसमें व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी किया गया। टेक्निकली इंडिया 2000 ही BS1 है, पर इसे कभी भारत स्टेज 1 के नाम से नहीं रेफर किया गया। इंडिया 2000 के बाद आता है भारत स्टेज 2। BS2 को 2005 तक पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसी नॉर्म के साथ गाड़ियों में MPFI या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन मैंडेटरी हुआ। फिर 2010 में आया भारत स्टेज 3, 2017 में भारत स्टेज 4 और फाइनली 2020 में भारत स्टेज 6। पर आप सोच रहे होंगे भारत स्टेज 5 कहां गया? देखो, इंडिया को BS3 से BS4 आने में 7 साल लग गए और तब तक ग्लोबली यूरो 6 एमिशन नॉर्म आ गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने BS5 को स्किप करके सीधा भारत स्टेज 6 इंप्लीमेंट कर दिया। अप्रैल 2023 से इंडिया में BS6 फेज 2 नॉर्म आई, जो रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस या RDE पे फोकस करते हैं। BS6 फेज 2 के साथ सभी गाड़ियों इवन मोटरसाइकिल्स में OBD या ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम आने लगा। चलिए अब जानते हैं BS7 के साथ कौन से नए चेंजेस आए। भारत का BS7 यूरोप के यूरो 7 का ही इम्प्रोवाइज अडाप्टेशन होगा, जैसे पिछले सारे नॉर्म्स रहे हैं। इनफैक्ट गडकरी जी ने भी यही कहा कि इंडियन एमिशन नॉर्म्स यूरोपियन नॉर्म्स के साथ अलाइंड होंगे। सबसे पहला चेंज या इंट्रोडक्शन होगा OBM या ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग का, जो गाड़ी में ऑलरेडी लगे OBD या ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स के साथ काम करेगा रियल वर्ल्ड टेल पाइप एमिशंस को रियल टाइम में एनालाइज करने के लिए। सरल भाषा में एमिशंस टेस्ट लेबोरेटरी से हटकर आपके गाड़ी के अंदर होगा। इसके अलावा BS7 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सीवियर पोल्यूटेंट्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट और इक्वल लिमिट सेट किए जाएंगे। एग्जांपल्स के लिए यूरो 6 में पेट्रोल कार्स के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की लिमिट होती है 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर और डीजल के लिए 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर। अब यही वैल्यू यूरो 7 में चाहे गाड़ी डीजल हो या पेट्रोल, 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर पे लिमिट कर दी जाएगी। बाय द वे, BS7 के इंट्रोडक्शन के साथ हमें ज्यादा टर्बोचार्ज्ड और डायरेक्ट इंजेक्शन गाड़ियां देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं BS7 के साथ आने वाले कुछ नए स्टैंडर्ड्स के बारे में। गाड़ी के टायर्स और ब्रेक्स भी पल्यूट करते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो टायर्स और ब्रेक से माइक्रोप्लास्टिक्स और ब्रेक डस्ट निकलते हैं, जो कि हार्मफुल पल्यूटेंट्स होते हैं, और इन पल्यूटेंट्स को भी BS7 के अंदर रेगुलेट और लिमिट किया जाएगा। इसके अलावा BS7 के साथ एक नया स्टैंडर्ड आएगा, जिसमें EVs और प्लग-इन हाइब्रिड्स के बैटरीज की लॉन्जिविटी टेस्ट की जाएगी, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और किलोमीटर रीडिंग के हिसाब से बैटरी की चार्जिंग और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को असेस किया जाएगा। लास्टली BS7 में गाड़ी के लाइफ टाइम एमिशंस को भी जांचा जाएगा। लाइफ टाइम एमिशंस का मतलब है कि जैसे गाड़ी पुरानी होने लगती है, उसके एमिशन लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं, मतलब वो ज्यादा पल्यूट करने लगती है। तो इसके लिए होंगे गाड़ी में कई सारे सेंसर्स, जो ओवर टाइम एमिशंस बढ़ाने वाले स्पेसिफिक इंजन इश्यूज को डिटेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं BS7 और इसके कुछ चैलेंजेस। किसी भी गाड़ी को नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड करने में कार मेकर्स को लगता है टाइम और काफी सारा इन्वेस्टमेंट। BS7 जिसके स्टैंडर्ड्स BS6 से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, उससे कंप्लाई करने के लिए कार मेकर्स को अपने BS7 व्हीकल्स में लगाने पड़ेंगे एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स। और कार मेकर्स ऐसे महंगे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स पे होने वाले इन्वेस्टमेंट की भरपाई कहां से करेंगे? आपकी जेब से। एग्जांपल सामने, अभी पिछले साल BS6 फेज 2 आते ही कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों में नए कंपोनेंट्स लगाए, जिससे अल्टीमेटली गाड़ियों के दाम बढ़ गए। गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाना तो एक तरफ, जैसे BS6 के आते ही काफी सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई, काफी हाई चांसेस है कि BS7 आते ही हमें और कई अच्छी गाड़ियों को गुड बाय कहना पड़ेगा। अब जानते हैं BS7 इंडिया में आएगा कब। इंडिया में BS7 इंप्लीमेंटेशन पे फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या टाइमलाइन तो नहीं है। हालांकि गडकरी जी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत स्टेज 7 के लिए प्रिपेयर करने को बोल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टोयोटा और होंडा जैसे कार मेकर्स ने BS7 कंप्लायंट चेंजेस पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। आपका क्या ओपिनियन है भारत स्टेज 7 और इसके साथ आने वाले नए स्टैंडर्ड्स पे, कमेंट्स में जरूर बताएं। एज ऑलवेज, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर जरूर करें और Cars24 YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अक्षत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।